हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना ब्लू हेवेंस का सॉफ्ट काजल एंड आईलाइनर जो मैंने नायका से अभी रिसेंट में लिया था। आप मेरा नायका शॉपिंग हॉल देखेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो उसमें मैंने इसे लिया था और ये मुझे मिला इसका प्राइस MRP 125 और मुझे 110 रुपीज़ में मिला। तो 15% डिस्काउंट मिला, मतलब 15 रुपया मुझे छूट मिला, उससे ज़्यादा नहीं। इस बना है 2018 में और आप इसको यूज़ कर सकते हैं 2021 तक। तो आपके पास 3 साल टाइम है इसे यूज़ करने का। और इस पे लिखा हुआ है सॉफ्ट काजल एंड आईलाइनर, हाउ टू अप्लाई, टिप्स एंड ट्रैक, और नेट ग्राम है 31 ग्राम का है, और ब्लू हेवेंस इज़ रजिस्ट्रेटेड, और मेड इन इंडिया का है। तो इसका मैं स्वेचेस दिखाती हूँ आपको कि कैसा है और कैसा नहीं। सो इसका रिव्यू, सो ये इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है गाइस। ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आती है जैसे ऑलमोस्ट काजल एंड आईलाइनर आते हैं, और इसकी ऐसी है। और इसमें कितना मिल रहा है देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, 31 ग्राम है। सो इतना आपको प्रोडक्ट मिलता है 31 ग्राम। और इसकी खास बात है कि मैं दिखा रही हूँ, इसके इस भी शॉर्पनर दिए हुए हैं इसको शॉर्प करने के लिए, बट इससे शॉर्प करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेंसिल टाइप में नहीं है। पेंसिल टाइप में रहता तो इसको शॉर्प करने का ज़रूरत होता है आपको। से बहुत अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग है। वह यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्ग लास्टिंग, वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ। सो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। आप इसे एज अ आई साइडो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको आई साइडो एज अ आई साइडो और काजल लगा के दिखाऊंगी। अभी मैं इसका स्वेचेस दिखा रही हूँ आपको। सो काफ़ी अच्छा है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, और वाटर प्रूफ भी है। सो मैं इस पर वाटर लगा के दिखा रही हूँ आपको। सो मैं इस पर थोड़ा सा वाटर लगा के दिखा रही हूँ गाइस। सो स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ भी है, नहीं स्मच हो रहा है गाइस। अगर आप ज़्यादा तेज से करेंगे तो स्मच होगा ही, बट स्मच नहीं हो रहा है। सो इसकी बहुत अच्छी बात है। और इससे मैं अपने आईज पे लगा के दिखा रही हूँ कि कैसा है गाइस। तो मैं पहले से आईलाइनर एंड काजल, मतलब काजल को ही मैंने आईलाइनर को ही एज अ काजल मैंने लगाया है। तो इसके अंदर मैं सिर्फ वाटर लाइन पे इसे लगाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी आईलाइनर लगाया हुआ है। ये बहुत क्रीमी है गाइस और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता लग जाता है। मैं लगाई हूँ काजल इसी वजह से नहीं दिख रहा होगा, बट थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा होगा गाइस। सो अब मैं इसे एज अ आई शैडो लगाऊंगी अपने आई के ऊपर। और मैं इसे अपने हैंड से ही ब्लेंड कर लूंगी। सो ये वाटर प्रूफ है गाइस और क्रीमी है, तो आपको जल्दी से ब्लेंड करना पड़ेगा नहीं तो तुरंत ड्राई हो जाएगा। आप ब्रश से भी कर सकते हैं, बट मैं इसे हैंडी से कर रही हूँ। से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है गाइस। सो मैंने जैसे इस आईज पे लगाया सेम ऐसे ही मैं इस पे भी लगाऊँ। सो जिस तरह से मैंने इस पे लगाया था सेम उस तरह से इस पे भी मैं लगाई हूँ। अब मैं अपने हैंड से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप चाहें तो एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से, इस टाइप के ब्रश के हेल्प से इससे ब्लेंड कर सकते हैं, बट हैंड से ही ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये फ्लफी ब्रश से ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से। थोड़ा सा ब्लेंड होने में टाइम लगेगा, बस आपको पेशेंस रखना होगा और अच्छे से ब्लेंड करना होगा। सो इस साइज पे ज़्यादा लग गया था कि और इस पे कम थोड़ा सा लगा है, बट मैं इसे अच्छी तरीके मैंने दोनों आईज पे लगा लिया गाइस, एज अ आई शैडो, एज अ आई लाइनर, एज अ काजल। इसे 3 तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे अपना रॉयल ब्लू द हिलारिया हुडा के पैलेट से एक रॉयल ब्लू का आई शैडो मैं इसमें से लगाऊंगी, जिस रॉयल ब्लू नहीं है, थोड़ा सा ब्लूइश कलर में है। सो मैं उसे लगा रही हूँ इसके ऊपर। आईलाइनर बचा ले,
So, जैसे कि आप आई देख सकते हैं, सो मैं ब्लश भी लगा रही हूँ गाइस, क्योंकि इसके साथ सूना सूना लग रहा है फेस, ऐसा मुझे लग रहा है। सो मैं यहाँ पे हिदा हिलारी हुड्डा के पैलेट से ब्लश लगा रही हूँ। सो मैंने ब्लश भी लगा लिया गाइस, और मैं ये वाला लिपस्टिक लगाई हूँ, ये भी हुड्डा ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक है, जस्ट 100 रुपीज़ का है। रियल वाला हुड्डा ब्यूटी का नहीं है गाइस, एक कॉपी है उसका। सो ये मेरा एक लुक भी कंप्लीट हो गया, जो आप किसी पार्टी नाइट पार्टी में क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजी है गाइस, आप क्रिएट कर सकते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद आया। आई लव दिस काजल्स एंड आई लाइनर, और एज अ आई शैडो भी इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे जरूर बाई करें अगर आपको अच्छा लगे तो। और रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इसमें पैराबिन है कि नहीं, इसमें ऐसे कुछ लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए गाइस। सो अगर आप इंग्रेडिएंट्स चेक कर मतलब वो ऐसा वाला प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है, 110, आपको 110 रुपीज़ में ऐसा कोई आई शेडो एंड काजल नहीं मिलेगा। आप दूसरा काजल लेंगे तो 150 के अंडर कोई भी ब्लू काजल आपको नहीं मिलेगा, सॉरी 150 के ओवर ही जाएगा, उससे अंडर कोई काजल नहीं मिलेगा। जो है सिर्फ ब्लू हेवेंस ही दे सकता है, क्योंकि ब्लू हेवेंस के प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इंडिया में बनते हैं, और आपको अफोर्डेबल भी मिलते हैं। इससे ज़्यादा अफोर्डेबल कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, होंगे बट मुझे नहीं पता है। मेरे हिसाब से तो ब्लू हेवेंस ही बहुत अच्छा है, और मुझे इसकी सारी बातें मतलब सारी अच्छी लगी, क्वालिटीज़। जल्दी से स्मच भी नहीं होता, देखिए अभी मुझे आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स हो गया है, बट फिर भी ये स्मच नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे ही है गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपका 3 काम करेगा, फर्स्ट है आपका काजल, सेकेंड आई शैडो, थर्ड आई लाइनर, क्योंकि ब्लू बहुत ट्रेंड में है अभी। सो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, और इसके साथ मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए गाइस। सो बाय गाइस एंड लव यू ऑल, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। सो सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है गाइस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आरजी अनामिका शर्मा। सो बाय गाइस, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके बताएं, और कोई भी रिक्वेस्ट हो तो कमेंट करके बताएं। अगर मेरे से होगा तो मैं जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। सो बाय बाय एंड लव यू ऑल।